वेलकम टू इंडिया स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन ईब में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, मैं शुभेन आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज जा कहाँ रहे हैं। आज जा रहे हैं अपना इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन है, इंडिया छोड़ो अपना एशिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन है वो, और जिसका नाम है ईब। वो अपना झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहता है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं। और ये रहा अपना बहरामल। ये गाड़ी वाला कैसे कर रहा है यार, ये घुसा दिया। चाचा विधायक है हमारे, कहीं भी गाड़ी मोड़ लो क्या जाता है। हम लोग का यहाँ पे कोल का बहुत ज्यादा डिमांड है, कोल ही रहता है मेनली। अरे रे रे, क्या सीन है, सही कर रहे हैं लोग, क्या गाड़ी चला रहे, पूरा रोड चेक के गाड़ी चलाना है इन लोगों का। ये जो टर्निंग है ना, टर्निंग में पूरा सुला के काटने में जो मजा है ना। अब ये और एक टर्निंग आ गया है, अब ये टर्निंग लेके अपने को पूरा सीधा जाना है पूरा। और ये जो रोड है पूरा, ये रोड में आपका टर्निंग 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 बहुत टर्निंग मिलेगा आप लोगों को, तो जब भी आओगे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, गाड़ी ज़्यादा स्पीड में मत चलाना। और ये रहा अपना ईब का रेलवे स्टेशन, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा आया था कैमरा में। ये पहुँच चुके हैं और यहाँ से बस अपना थोड़ा ही सा दूर है। यहाँ पे कुछ रेलवे प्लेटफॉर्म ऐसा टाइप का, तो मतलब मैं उल्टा रास्ता से घुस रहा हूँ मेनली, उसका सामने भी एक रास्ता है प्लेटफॉर्म, अगर होगा तो सामने से होगा, मैं इसका मैं बैक साइड से मेन घुस रहा हूँ। और ये मतलब क्वार्टर जाते हैं रेलवे एम्प्लॉय लोग जिस तरह से, उस तरीके का। गाड़ी कहाँ पर पार्क करूँ, गाड़ी 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 यहीं पर रख देता हूँ। चलिए अब मैं आप लोगों को ले कर चलता हूँ अपना ईब रेलवे स्टेशन घुमाता हूँ, देखते हैं कैसा है अपना स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन ईब। ये अपना ये थोड़ा सा चढ़ चढ़ के थोड़ा पार करना पड़ेगा। बहुत सालों सालों बाद ऐसे चढ़ के पार कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है। और ये रहा अपना ईब का रेलवे स्टेशन। वेलकम टू इंडिया स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन ईब में आपका स्वागत है। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, तो चलिए मैं आप सभी को जल्दी जल्दी अपना ईब रेलवे स्टेशन में आप लोगों को सभी को घुमाता हूँ। ओह माय गॉड, वाओ। ये रहा आपका सीढ़ी ऊपर जाने का, मतलब जो फ्लाईओवर ब्रिज आप बोल सकते हो। और ये एक सीट, ये एक सीट, ये एक सीट, खत्म। वो जो रेड लाइट आप लोगों को दिख रहा होगा, वो रेड लाइट खत्म, स्टेशन बस इतना ही है, इसीलिए इसको इंडिया का अपना स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन बोला जाता है। मजा आया अपना यहाँ पे, खाली कोयला है, बहुत कोयला, किंग ऑफ कोल। इसके लिए अपना अलग सा पटरी लगाया गया, खाली है कोयला के गाड़ी के लिए। ये जो नदी आप लोग देख रहे हैं, ये वेडन नदी है, जो चंडी मंदिर वाला अलग रास्ता से आता है। और ये देखिए, इस साइड से भी और एक फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है। पास होने वाला, ये रहा, ये पूरा कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में है। अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाओ। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है मैं ट्रेन का आवाज़ सुनने के लिए पूरा तरस गया था पूरा। बहुत दिन बाद ट्रेन का आवाज़ सुना, बहुत दिन का, बहुत सालों बाद ट्रेन का आवाज़ सुना। ये क्या है, ये बालू है लग रहा, नहीं पता नहीं क्या है, जो भी है अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। यहाँ पे अपना मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसको और बेहतर बनाने की कोशिश। बोला था ना आप सभी को, किंग ऑफ कोल। ये देखो कोयला, कोयला के लिए अलग से लाइन बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि ये लाइन में खाली कोयला ही जाता है, इस लाइन में बहुत सारा ट्रेन भी जाता है। ये लाइन मेनली अपना कोयला के लिए ही बनाया गया है।
ये जो सारे आप देख रहे हैं येलो कलर वाले घर, सब ये सब अपना रेलवे क्वार्टर है। मतलब ईब में जिन लोगों को अलॉट किया गया है तो उन लोग यहीं पे रहते हैं। और ये वाला बन रहा है, और ये जो सारे आगे हैं वो सारे ठीक हैं, छोटे छोटे क्वार्टर हैं, मस्त मस्त हैं। ये एक वेटिंग हॉल है, और ये सामने कुछ बैठने का दिया हुआ है, और ये मालगाड़ी। वेट फॉर पार्ट टू में और एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाला है। तो पार्ट वन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। बहुत ही जल्द मिलता है फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।